हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो ये आप एलईडी देख रहे हैं, हम इस एलईडी को सुधारेंगे क्योंकि ये जो बल्ब है ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों ये सही भी हो जाता है। हालांकि कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें ये ज़्यादातर ख़राब होते हैं और सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी ऊपर वाली कैप है उसको हटा लेते हैं, तो ये टूटनी नहीं चाहिए दोस्तों, ये आपको सावधानी से निकालनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसकी जो एलईडी है उसको पहले ही चेक कर लिया था। तो दोस्तों इसकी जो एलईडी है वो बिल्कुल सही है, तो हम इसको पेचकस की सहायता से निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसके वायर वगैरह जल चुके हैं। अब हम इसके कार्ड को चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका जो कार्ड है वह यहाँ से जल चुका है और इसके दोनों वायर भी जल चुके थे। तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों हम इसकी जगह कोई दूसरा जो एलईडी बल्ब है उसका कार्ड भी यूज में कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा एलईडी था तो उसकी वो एलईडी लाइट ख़राब हो चुकी थी तो उसका कार्ड सही था, तो मैंने वो कार्ड इसमें प्रयोग कर रहा हूँ। तो इसमें दो पॉइंट होते हैं, जो ब्लैक वाला है आप उसको माइनस वाले में लगाएंगे और जो रेड वाला है उसको प्लस वाले पे लगाएंगे, जैसे कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है माइनस और प्लस। तो आपको ये तार प्लस वाला है तो प्लस वाले में ही लगाना है और माइनस वाला है तो माइनस वाले में ही लगाना है। तो पहले हम जो लाल वाला है उसको प्लस में लगाते हैं, फिर ब्लैक वाले को लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सोल्डर आयरन है तो वह थोड़ा लो वोल्टेज की वजह से ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा स्टेबलाइजर था वो भारी बरसात की वजह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया था, तो हमारे लो वोल्टेज की समस्या है, इसलिए सोल्डर आयरन अच्छे से गर्म नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। सॉरी दोस्तों लेकिन लग नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों लग चुका है, रेड वाला लग चुका है, अब हम ब्लैक वाले को भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा ही दोस्तों हमारे दोनों वायर लग चुके हैं, अब हम इसको सप्लाई देके देखेंगे कि ये एलईडी जलती है या नहीं जलती है। तो ठीक है दोस्तों हमने इसको सप्लाई दे दी है, अब हम इसको लगा के देखते हैं कि जलती है या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी एलईडी बिल्कुल अच्छी तरीके से जल रही है। अभी हम यहाँ से हिलाते हैं तो ये बंद हो जाती है, और स्विच से बंद करने पर भी ये तो ये हमारी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो दोस्तों हमारी जो ये एलईडी बल्ब है ये ठीक हो चुका है, अब हम इसको बंद कर लेंगे और दोबारा यूज में लेंगे।